हायर सेकेंडरी स्कूल एरिन में छात्रों को बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल को 2007 में हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में अपग्रेड किया गया था, लेकिन अभी भी पुराने हाई स्कूल भवन और सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। तेज धूप में बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें अधिक परेशानी हो रही है। इस उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास एक मिडिल स्कूल भवन है, जहां कुछ कक्षाएं स्थानांतरित की जा सकती है, लेकिन संबंधित विभाग ने कभी भी बच्चों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण छात्रों को अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब छात्रों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए, ताकि उनकी शैक्षणिक कठिनाइयों को कम किया जा सके। छात्रों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए बिना उसकी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है और वे उच्च शिक्षा हासिल करने में पिछड़ सकते हैं। अगर हम बोलें तो हमारा जो स्कूल है 1985 में बना है, तो इट वाज अ हाई स्कूल, तो 2007 में इट वाज अपग्रेडेड इनटू हाई सेकेंडरी स्कूल। तो 2007 के मुताबिक, अकोमोडेशन के मुताबिक, उस टाइम पे जितनी हमारी पॉपुलेशन थी वैसी अकोमोडेशन यहाँ पे उतने उस हिसाब से बिल्डिंग्स बनाई गई थी। लेकिन इस 2024 आज के हिसाब से अगर हम देखें तो आज उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंटू फाइव होगी। उस हिसाब से आप देखिए खुद ही हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो बिल्कुल छोटे होते हैं, वो उस हिसाब से बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे अराउंड हमारे पास 20 या 40 स्टूडेंट्स पर क्लास होते थे, सेक्शंस की तो बात ही नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम अपने क्लास में, मैं 10th में पढ़ती हूँ, तो हम अपने क्लास में अराउंड 70 बच्चे हैं और वहाँ पे एट वो क्लासरूम जस्ट 60 बच्चों के लिए है। और उसके बाद जो बाकी हमारे क्लासरूम्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा गेम्स रूम है, वो गेम्स रूम वो इतना छोटा है कि वहाँ पे सिर्फ चीज़ें रखने की जगह है, वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको पता ही है एज अ गर्ल्स हमारे लिए हम बायोलॉजिकली वीक होते हैं, हमारे लिए एक रेस्टिंग रूम होना ज़रूरी है बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए अगर एटलीस्ट हमें ICT लैब यूज़ करनी पड़ती है एज अ रेस्टिंग रूम, और बाकी एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, हम मुस्लिम कम्युनिटी में हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट गर्ल्स के लिए एक नमाज रूम होना चाहिए था। हमारे लिए तो अकोमोडेशन के, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम्स चाहिए, जो कि हम फॉर एग्जांपल हमारे जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन 100 अराउंड 100 स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो भी एटलीस्ट उनके लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे। तो कितने क्लासेस हैं जो बाहर ओपन स्काई में तालीम हासिल करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अकोमोडेशन? सर, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो ओपन एरिया में तालीम हासिल करते हैं। तो इस तरह से आपकी तालीम मुतासर होती है? सर, ऑफ कोर्स इसे तालीम मुतासर नहीं होगी। आज देखिए, आज क्लासरूम्स में मतलब अंडर शेडो ही रहना पसंद करेगा हर कोई, क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस टाइम पे आप देखिए, मतलब इंसान बाहर खेल नहीं सकता, तो पढ़ाई करने की तो दूर की बात है। अगर बाहर इतनी ज्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पे बाहर पढ़ाई करेंगे तो हम फ्यूचर जनरेशन। अब क्या मुतालबा है आपका? हमारा यही है कि साइड में हमारी, अब अगर हम बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको बोले तो आपको खुद ही पता है गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वो अराउंड 5 से 6 साल तो उसको लग ही जाएगी। इसीलिए हमारे साइड में यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो ये अवेलेबल, ये कर सकते हैं यहाँ से माइग्रेट, तो इनमें उतनी अकोमोडेशन है। लेकिन हमारे लिए अगर ये बिल्डिंग ये इन्फोर्स करे और हमें ये यूज करने के लिए दे तो चलिए ठीक। आपसे जानना चाहेंगे आपके हायर सेकेंडरी के अंदर क्या मसला है, कितने बच्चे हैं और आपके पास कितनी अभी बिल्डिंग या अकोमोडेशन पड़ी हुई है जो आपको इस्तेमाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मे चुना अंसर इम्तियाज बुरा ट्यूल सर। इस पर तय पाइश एरिन वह बोर्ड علاقہ जो मुख्तु गांवों पर शुरू, जैसे कि सुमलर पे शुरू, दर्द पर शुरू, कुडवार पे शुरू, सुटविल पर शुरू, इस रोल से तीस अकोमोडेशन की अच्छी वह प्रॉब्लम अकोमोडेशन। अगर अस खुदा खास कह बेमार गो अच्छे रूम ये तौन सर अच्छे तुम सर सी लेम तीस जाए तौन कुछ जाए सर ये रेस्ट रूम तीन अगर कहीं रीडिंग आने तक खुद रूम कहीं अगर ये गेम गिंदो अ इंडोर सामान इंडोर सामान मगर गिंद खुद जाए कमर अंस रीडिंग करें तक खुद कमर कहीं बेचारे सही बोर्ड प्रॉब्लम अगर क्लास में गो पर्ने अड़े पे दून पत्थर अड़े पे नबर कहें तीस क्लास में जैसे पढ़ो क्लास में बेचा अमेर सफोकेशन क्लास में टेंथ नाइन्थ जो सेक्शन अगर त्रेम सेक्शन दिमो अस कमर्स नबर मेडिकल ऑलरेडी आज नबर कहें नबर कहें और पी टी सर अच्छे अंदर अंदर से क्लास रूम फुल लाचान नीरू नबर अस कत बेहो लाट स बच्चे अस कहीं नुकसान हेर कन यह जाए इसमो कुछ जाए बत्स तीस जाए अच्छी प्रॉब्लम अकोमोडेशन अगर बेस्ट ऑप्शन बुत अगर अच्छा कमर।